19 जून 2022 को मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड में पदमा पंचायत में यह कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे डीडीसी सर के और जिला जल स्वच्छता समिति मधुबनी के द्वारा जो है किया गया था। हमने काफी चैलेंज के रूप में इसको ग्राम पंचायत में यह जो अभियान चला है, जो शहरों के जैसा अब गांव में सुविधा किस प्रकार से जो आम पब्लिक है उसको दिया जाए। सर्वप्रथम मैं स्वच्छता अभियान से 2017 से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अपने पंचायत में पदमा चौक पर 2 अक्टूबर 2017 को यह अभियान का शुरुआत मैंने अपने निजी और जन सहयोग से जो है वहां पर 2 स्वच्छता कर्मी रखकर मैंने इस अभियान का शुरुआत किया था। करीब 1 साल तक जो है 2 स्वच्छता कर्मी और मैंने वहां पर जो है डस्टबिन बनाकर जो है पदमा चौक पर बृहद पैमाने पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया था और वहां पर जो है कुछ समस्या के कारण जो है 1 साल के बाद मुझे यह कार्यक्रम बंद करना पड़ा। इसके बाद रोया स्वच्छ बिहार अभियान जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो कार्यक्रम चला है जिसमें पदमा पंचायत का सर्वप्रथम यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो मुझे वहाँ पर वीडियो साहब और बीसी साहब मुझे काफी प्रोत्साहित कर मुझे स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पर चयनित किए। मैंने सबसे पहले पंचायत में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 1 के तहत जो है घर घर शौचालय बनाने का जो कार्यक्रम वहाँ पर जो हरेक पूरे भारतवर्ष में चला है और 95% लोगों के जो व्यवहार में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को जो है यह अभियान जो है हम लोग धीरे धीरे पंचायत में करीब 3-4 साल के अंदर जो है इसको भी सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग महिलाओं को जागरूक किए, जो आप लोग यहाँ पर मासिक शुल्क का कलेक्शन किए और 896 लोगों से 26,880 रुपए का जो कलेक्शन हमने अपने पंचायत में जो है यहाँ पर उठाव किए थे उपयोगिता शुल्क से। मैं धीरे धीरे इस काफी समस्याओं से वहाँ पर पंचायत में गुजरा हूँ और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे पदमा पंचायत में 5 अक्टूबर को जन संवाद कार्यक्रम में आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका हैं, विकास मित्र हैं, उन सभी से सहयोग करने के लिए कृपया वहाँ पर जो है आप अपना दोस्तों को रखेंगे हमारे पंचायत में, इससे जिला में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और हम सभी जो है मासिक शुल्क से धीरे धीरे जो है जितने हमारे पंचायत के स्वच्छता कर्मी है उसको हम शुल्क अदा करेंगे। 7 महीना से हम अपने स्वच्छता कर्मी का वेतन नहीं दे पाए हैं, हम जिला टीम से भी आग्रह करेंगे कि उसमें भी दूसरा किस्त का जो राशि बकाया है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इसी वाणी से मैं अपने सब लोग को यहाँ पे विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद।